हेलो दोस्तों, वेलकम टू गैरेज ऑफिशियल। मेरे सामने है राफ्ट कंपनी की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम है जिस्पा, जो दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश एंड काफी ज्यादा विंटेज लुक दिया गया है। एंड इसकी जो डिजाइन है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दूंगा। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, क्या प्राइस पॉइंट पे आती है एंड शुड यू कंसिडर दिस स्कूटर और नॉट, ये सारी चीजें इसमें बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका लुक। उसके पहले देख लीजिए इसकी ये है चावी, ध्यान से देखिए। इसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, एंटी थेफ्ट भी दिया गया है। तो एक बेसिक सी चावी है, आप इसे की से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड अभी इसका डिजाइन चेक करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका जो फ्रंट का हेडलाइट है, ये LED देखने को मिलता है, जो काफी बढ़िया क्वालिटी का है। फिट एंड फिनिश बहुत कमाल की है। इसमें प्लास्टिक फाइबर के मटेरियल्स यूज किए गए हैं, बट वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छा लग रहा है इसका लुक। यहाँ पे आपको सेंटर में राफ्ट की बैजिंग दी गई है एंड ये आपको ब्लू एंड रेड स्ट्रिप दिया गया है, जो एक ग्राफिक है। एंड इसका डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा है, वेरी मच सिमिलर टू जो चेतक आती है बजाज की, उसी तरीके का डिजाइन इसको भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये जो टर्न इंडिकेटर है, ये आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे, नॉट द LED। बाकी आपको सिर्फ हेडलाइट ही आपको LED देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ वेंट का लुक देखने को मिल जा रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको मडगार्ड दिया गया है, यहाँ पे भी आपको ये ग्राफिक्स लगाए गए है। ये मडगार्ड आपको मेटल के देखने को मिलेंगे, विच इज रियली गुड थिंग। यहाँ पे आपको जो टायर्स देखने को मिलते हैं, ये ब्रांडेड टायर्स नहीं है, बट काफी कमाल के हैं, ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में देखने को मिलते हैं। लगभग 10 इंच के टायर्स आते हैं ये। इनका डिजाइन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक दिया गया है एंड ये ब्रेक्स काफी कमाल के हैं, एंड जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। डिस्क ब्रेक देना एक काफी अच्छी चीज है। एंड चलिए अभी इसे साइड से देख लीजिए एक बार इसका लुक। साइड से भी देखोगे तो इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू ओल्ड स्कूल जो स्कूटर्स आते थे, और विंटेज स्टाइल इसमें कैरी किया गया है विद सम मॉडर्न फीचर्स, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको फॉरएवर फॉर यू जिस्पा विंडी मॉडल का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ ये वेंट जैसा लुक दिया गया है, जस्ट स्टाइलिंग एलिमेंट्स है। एंड इसके टर्न इंडिकेटर्स देखिए साइड में इंटीग्रेट किए गए हैं, ये भी आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे। और इसकी जो टेल लाइट्स है ना, ये देख लीजिए पीछे से इसका डिजाइन, ये आपको LED देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, जो प्रीमियमनेस काफी ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ पे एक कैरियर दिया गया है, वेर यू कैन कैरी। यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है, और यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट लगाओगे। पीछे डिस्क ब्रेक का प्रोविजन नहीं दिया गया है, बट ये पीछे आपको अपोलो के टायर्स दिए गए हैं, जो 10 इंच के टायर्स है, और आपको ड्रम ब्रेक के साथ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, यहाँ पे ई बाइक लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए ये प्लास्टिक का फिनिश है, इतना कुछ खास नहीं है, बट डिजाइन काफी कमाल का है। ये आपको क्रोम के फिनिश पे दिया गया है, आपको सेंटर स्टैंड एंड मेन स्टैंड दोनों देखने को मिल जाते हैं। एंड ये भी आपको प्लास्टिक फाइबर के ही मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। इसके सीट्स है ना, मुझे सीट्स काफी कमाल के लगे हैं, बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी सीट है, काफी कुशनेबल है, दो लोग इजीली बैठ पाएंगे, पीछे भी जगह अच्छी है, तो उस हिसाब से काफी अच्छी चीज मुझे लग रही है। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, ये देख लीजिए। अगर आपको बैटरी रिमूव नहीं करनी है तो आप यहाँ से भी इसे निकाल कर सकते हो, विच इज रियली गुड थिंग। तो अब यहाँ पे फुटबोर्ड चेक करोगे तो काफी बड़ा फुटबोर्ड है, यहाँ पे एक छोटा सा बम देखने को मिलेगा आपको, बट यहाँ पे आप सामान आराम से कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स दिया गया है छोटा सा, यहाँ से चाबी डाल के आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। अभी ये ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, ज्यादा स्पेस नहीं है, पर थोड़ी सी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है, वेर यू कैन कैरी लगभग 10 से 15 किलो का कोई थाई, आपकी प्लास्टिक थैली आप यहाँ पे अटका सकते हो, अपने सामान कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको चाबी दिया गया है, चाबी भी काफी कमाल की है, इसमें आपको लॉक अनलॉक देखने को मिलता है। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में है और आपको अपनी गाड़ी पहचाननी है, तो इसे दबा के रखोगे तो गाड़ी आवाज करेगी, एंड इससे आप अपनी गाड़ी को रिमोटली भी स्टार्ट कर सकते हो, विच इज रियली गुड थिंग। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो काफी सिंपल सा है। यहाँ पे आपको गियर्स देखने को मिल जाएंगे, कौन से गियर पे चल रही है, तो यहाँ पे आपको तीन गियर्स दिए गए, तीन मोड है बेसिकली। ये रहा इसका इको मोड, जहाँ पे गाड़ी 25 के स्पीड पे चलती है, और जैसे ही हम इसे सेकेंड पे शिफ्ट करेंगे ये, तो ये गाड़ी 35-40 के आसपास चलेगी, एंड इसे थर्ड पे डालते ही ये 50 के आसपास चलने लग जाएगी। तो ये इसके मोड्स है, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको
हॉर्न दिया गया है, यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, हॉर्न एंड रिवर्स भी देखने को मिलेगा। जैसे आप ये दबाओगे लगभग 3 के स्पीड पे गाड़ी रिवर्स होती है। अपर एंड डिपर के ऑप्शंस एंड बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बैटरी की रेंज दिख जाती है कितनी चलेगी। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इसका बूट स्पेस ओपन करना है तो यहाँ पे आपको चाबी दी गई है, ये चाबी से आप यहाँ पे डालिए एंड इसका बूट स्पेस आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अंदर कोई जगह नहीं बचती है। आपको अगर बैटरी रिमूव करनी है तो पहले इसे ऑफ कर देना। यहाँ पे देख लीजिए, ये रही इसकी बैटरी। ये बैटरी आपको यहाँ से डिटैच करना पड़ेगा, तो आप घर पे भी लेकर जाके इसे चार्ज कर सकते हो। लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने को, एंड आपको फुल चार्ज में लगभग 150 to 160 किलोमीटर का रेंज दे देती है। एंड इसके एग्जैक्ट आपको मैं प्राइसिंग सब चीज़ें बताता हूँ। तो इसमें जो बैटरी रेंज है, जो पहला मॉडल आता है जिसमें आपको 60 वोल्ट एंड 24 AH की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको लगभग 65 to 70 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 85,700। एंड जो इसका अपर मॉडल आता है जिसमें आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें बैटरी रेंज है लगभग 100 to 130 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस है 93,810। एंड जो टॉप एंड मॉडल है जिसमें आपको 60 वोल्ट की बैटरी एंड 60 AH की बैटरी देखने को मिलती है, जहां पे रेंज है लगभग 160 किलोमीटर के आसपास, जिसकी प्राइसिंग है 1,18,000 के आसपास। तो अब ये डोंबिवली में शोरूम है जहाँ से मैंने ये स्कूटर ली है। अगर आपको कोई भी स्कूटर चेक करनी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये स्कूटर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अभी इसे चला के देखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये चलने में कैसी है। तो चलिए दोस्तों, अभी चला के देखते हैं स्कूटर को। सबसे पहली चीज़, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट स्कूटर है, इसमें आवाज़ आपको ज़रा भी नहीं आता है। एंड जब भी आप इसे लेकर जाते हो रोड पर, आपको लोग काफ़ी ज़्यादा मुड़ मुड़ कर देखते हैं, एंड इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी कमाल का है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा रस्ते में रुका कर कि कौन सी गाड़ी है, क्या रेंज है, क्या प्राइस है, तो उनको सब समझाना पड़ जाता है अबाउट द स्कूटर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर। और ये जो पर्टिकुलर स्कूटर मैं चला रहा हूँ, इसका डिजाइन काफी विंटेज टाइप है एंड चलाने में भी काफी मस्त है। इसका जो टॉप स्पीड है ना, लगभग 50 के आसपास है, ऐसा कंपनी का कहना है, बट जब मैं चला रहा था मुझे लगभग 44-45 के आसपास ही मिला था। अगर आप ये स्कूटर को बाय करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, इवन आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज रियली गुड थिंग। एंड इसका टॉप मॉडल मुझे थोड़ा महंगा लगता है, 1,18,000-19,000 के आसपास में ये स्कूटर है, बट आई थिंक अगर आपको ये स्कूटर इतनी महंगी नहीं खरीदनी चाहिए, थोड़ा प्राइस कम होती तो वो बेटर चॉइस हो सकता था, बट प्रोडक्ट काफी बढ़िया है एंड इसका रेंज भी काफी कमाल का है। आपको 160 किलोमीटर के आसपास का रेंज देखने को मिल जाता है इन फुल चार्ज, और बैटरी को चार्ज होने को भी 2 से 3 घंटे ही लगते हैं। बाकी चलाने में तो ये दूसरे स्कूटर की तरह ही है, जैसे हम दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं उसी तरीके से ये भी है। इसके सस्पेंशन थोड़े मुझे स्टीफ लगे, बट आपको कंफर्ट काफी बढ़िया मिल जाता है, सीट का कंफर्ट काफी अच्छा है। इसमें 3 मोड्स दिए गए है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो आपको स्विच करके चलाना पड़ेगा। फर्स्ट मोड पे लगभग 25 के आसपास की स्पीड देखने को मिलती है, सेकंड मोड पे लगभग 33 to 34, एंड थर्ड मोड पे आपको इसकी रियल पावर देखने को मिलती है। सो आई वुड से इसका टॉर्क फिगर्स भी अच्छा है, अगर आप डबल सीट भी बैठ के चलाओगे तो इश्यूज नहीं आने वाले हैं। तो चलाने में ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है, एंड ये सिटी कंडीशन में आपको काफी कमाल की चीज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है। ये दिन में लगभग 20 से 25 रुपए तक का ही आपका कॉस्ट पड़ सकता है, 3 से 4 यूनिट ही खाती है, ज़्यादा आपको इश्यूज नहीं होने वाले हैं उस मामले में। पेट्रोल एंड दूसरे स्कूटर से तो काफ़ी कमाल के ही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं टू बाय दिस टाइप ऑफ स्कूटर्स, एंड बहुत सारे स्टार्टअप ब्रांड इंडिया में आ चुके हैं। अब ये राफ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये इंडिया में बेसिकली वसई स्टार्टअप ब्रांड है जो मुंबई में है और पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। ये लोग ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते ऑन द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, बट जब भी मैंने इसका फर्स्ट टाइम मैंने इसे देखा एंड चला के भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। प्रोडक्ट की फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल मैं कहूँगा थोड़ा प्रोडक्ट महंगा ज़रूर है, बट इसके दूसरे भी मॉडल से जो थोड़े आपके बजट में आ जाते हैं, ये पर्टिकुलर जो मॉडल है मुझे अच्छा लगा है चलाने में। फिट एंड फिनिश भी बढ़िया है, चलाने में भी मस्त है, थोड़ी सी मुझे महंगी ज़रूर लग रही है। अगर आपको ये महंगी लग रही है तो इसके दूसरे बैटरी ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो।
बाकी स्कूटर तो बढ़िया है, अगर आपको पसंद है ये स्कूटर तो आइए टेस्ट राइड लीजिए। डोंबिवली में भी इसका शोरूम ओपन हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोन नंबर एंड एड्रेस डाल दूंगा, जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप मुझे पूछोगे तो स्कूटर काफ़ी अच्छी है, नॉट द वेरी बेस्ट बट अबव एवरेज है, तो वो मेरे हिसाब से स्कूटर काफ़ी अच्छी साबित होती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट मुझसे डेली चाहिए एंड ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर मैं अगर डेली वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँ तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन साबित होता है। टेक केयर दोस्तों, राइड सेफ।